मुख्तार अंसारी की, जिसे अब यूपी आना ही होगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार कार्रवाई किया जा रहा है। यहाँ से और पुलिस की भी जाएगी, जाके उनको लेकर आएगी। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस पंजाब रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर, पंजाब के रूपनगर जेल पहुंचेगी अब यूपी पुलिस की टीम। आज या फिर कल मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा सकता है। कड़ी सुरक्षा में पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। यूपी की बांदा जेल में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को मुख्तार अंसारी की कस्टडी हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। पंजाब सरकार और यूपी सरकार की तरफ से दलीलें दी गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की दलीलें काम नहीं आई। मुख्तार अंसारी की कस्टडी अब यूपी को सौंपी जाएगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। 2 हफ्ते इसके लिए तय किया गया वक्त, 8 अप्रैल से पहले कस्टडी देनी है। आज या फिर कल मुख्तार अंसारी को सौंपा जा सकता है। तो माफिया मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम पंजाब के रोपड़ जेल रवाना हो गई है। बताया जा रहा है 10 गाड़ियों के साथ यूपी पुलिस पंजाब के लिए निकली है। गाड़ियों के काफिले में एक एम्बुलेंस भी है। वहीं बांदा जेल में भी तैयारियां पूरी कर ली गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कोर्ट के आदेश के बाद 8 अप्रैल तक मुख्तार अंसारी को बांदा सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाना है। जबकि पंजाब पुलिस की ओर से यूपी पुलिस को पत्र भेजकर मुख्तार को ले जाने की बात कही गई थी। 2019 में मुख्तार अंसारी को रंगदारी से जुड़े हुए एक मामले में पंजाब पुलिस बांदा जेल से लेकर चली गई थी, लेकिन उसके बाद से मुख्तार अंसारी लगातार पैंतरेबाजी करता रहा और यूपी आने से बचता रहा। पिछले 2 साल से खराब सेहत का हवाला देकर पंजाब पुलिस ने मुख्तार को सौंपने से हमेशा इनकार किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई पैंतरेबाजी, कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा मुख्तार अंसारी का, और अब बांदा सेंट्रल जेल जाना ही होगा। तो 10 बड़े अपडेट क्या है मुख्तार अंसारी के मामले में, आपको बताते हैं। यूपी पुलिस 10 गाड़ियों के साथ पंजाब के रोपड़ के लिए रवाना हो गई। मुख्तार को सड़क के रास्ते पंजाब से यूपी लाया जाएगा। मुख्तार की वापसी का रूट गोपनीय रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज या फिर कल मुख्तार की वापसी हो सकती है। पंजाब के रूपनगर जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्टिंग होगी। यूपी और पंजाब पुलिस की टीम ने एम्बुलेंस की जांच की है। बांदा के आईजी, एसपी और डीएम ने जेल का जायजा भी लिया है। बांदा जेल के सीसीटीवी की भी जांच की गई है। 8 अप्रैल तक बांदा जेल में मुख्तार को शिफ्ट किए जाने का आदेश है। 2019 में यानी कि 2 साल पहले पंजाब पुलिस बांदा जेल से मुख्तार को रोपड़ लेकर चली गई थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वापसी मुख्तार अंसारी। विमल हमारे साथ हैं, पंजाब के रोपड़ से हैं। विमल बताइए, वहां से अब ले जाने के लिए क्या तैयारी हो रही है मुख्तार अंसारी को, और क्या यूपी पुलिस की जो टीमें यहां से रवाना हुई थी वो वहां पहुंच गई? जितना भी अभी अंसारी की बात की जाए तो अंसारी को लाने के लिए जो टीम वहां से निकली है, करीब 1500 से 1600 घंटे लगेंगे यहाँ में पहुंचने के लिए रूपनगर। अगर बात की जाए दूसरी टीम की, जो एम्बुलेंस की इंक्वायरी के लिए आई थी, मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि एम्बुलेंस की जांच के लिए जो टीम है वो उसी जगह पहुंची है जहां पर एम्बुलेंस खड़ी पाई गई थी। अब यूपी पुलिस की टीम देख सकते हैं, ये यूपी पुलिस की गाड़ी है और यहाँ पे पहुंची हुई है इंक्वायरी करने के लिए। और यहाँ से जो ढाबे वाले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है एम्बुलेंस के बारे में, क्योंकि यहीं पर इसी ढाबे पे जो है एम्बुलेंस मिली थी। अभी यूपी पुलिस की टीम, बड़ी खबर है कि यूपी पुलिस की टीम उस ढाबे पर पहुंची है पूछताछ करने के लिए। अंसारी की बात की जाए तो अंसारी जेल में बैठा थोड़ा परेशान जरूर है, क्योंकि वो यहाँ ही पंजाब में रहना चाहता था, अपने आप को सुरक्षित मानता था यहाँ पे, मगर अब जो यूपी जा रहा है उसकी अब कोई भी अपील या दलील काम नहीं आ रही है, आखिरकार उसको अब जाना ही होगा। जी, क्या फॉर्मेलिटी रहेगी, क्या प्रक्रिया का पालन होगा आगे अब यहां से यूपी पुलिस की टीम पहुंचने के बाद? जेल में जो कागजी कार्रवाई होनी है उसको यहां से छोड़ने के लिए करीब 5 बजे तक जो है, जेल का कानून है कि 5 बजे से पहले पहले ही यहां से जो है कैदी को भेजा जाता है, मगर ये हाई प्रोफाइल मामला है, हो सकता है कि उसको रात को ही यहां से शिफ्ट कर दिया जाए या सुबह ही शिफ्ट कर दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि
रूपनगर पुलिस जो है, जेल प्रशासन जो है, जेल से ही इसे हैंड ओवर करेगा और कहीं रास्ते में छोड़ने नहीं जाएगा, और जेल से ही यूपी पुलिस को हैंड ओवर जो है इसे कर दिया जाएगा। जी, क्या संभव है कि आज ही यूपी पुलिस की टीम लेकर रवाना हो जाए मुख्तार को, या फिर कल? देखिए, 15 से 16 घंटे का सफर है, रास्ता है काफी लंबा है, और रास्ते में आराम भी करना होगा क्योंकि गाड़ियों को भी थोड़ा आराम देना होता है। तो देर शाम तक या रात तक जो है यूपी पुलिस की टीम जो है यहाँ पे पहुंचेगी, और सुबह रात को फॉर्मेलिटी भी होगी, और लगता है कि सुबह जल्दी या 7, 8 और 6 बजे के बीच जो है अंसारी को यहाँ से जो है यूपी पुलिस ले जाएगी। पिछले 2 साल से स्वास्थ्य कारणों का ही हवाला दिया गया था, एक बहाना बनाया गया था कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए उसे यूपी पुलिस को सौंपा नहीं जा सकता। इस बार एम्बुलेंस का भी इंतजाम है, यानी कोई बहाना नहीं चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जो है अंसारी अपनी खराब सेहत का बहाना बनाता रहा, अब कोई भी उसकी अपील जमीन काम नहीं आ रही, क्योंकि कोर्ट ने कहा है अगर बीमार है तो बीमारी का इलाज उसका वहां कोर्ट वहां भी हो सकता है, और अब जो है यूपी पुलिस उसे ले जाने के लिए आ रही है, और बड़ी खबर इसमें यह है कि जल्दी वो देर शाम तक ये पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि अपील दलील अब उसकी काम नहीं आएगी, बीमारी का बहाना बनाता रहा, अब कोई बीमारी उसका। एक बात और आपको बता दूं कि जेल से जब उसे लेके जाएंगे तो उसका कोरोना टेस्ट भी होगा, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि कोरोना टेस्ट जब होता है तो उसके लिए रिजल्ट के लिए टाइम लगता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस जानकारी के लिए। तो यूपी पुलिस की टीम पहुंचेगी आज, और उसके बाद प्रक्रिया फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी होगी, और फिर पंजाब से यूपी लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो मुख्तार को लाने वाली एम्बुलेंस की जांच भी की गई है, आज या कल अब मुख्तार की वापसी हो सकती है, जैसा कि मेरे सहयोगी विमल ने भी बताया। बांदा जेल के सीसीटीवी भी जांच लिए गए हैं। कोई बहाना, कोई जुगाड़, कोई पैंतरेबाजी अब काम नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग उत्तर प्रदेश की जेल में होनी है। पंजाब के रूपनगर से बांदा सेंट्रल जेल अब मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा। जैसा कि विमल ने बताया, 15-16 घंटे का सफर, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम यहां पर पहुंच रही है, और उसके बाद जो प्रक्रिया है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा और फिर मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी को यूपी आना ही पड़ेगा, यूपी की रोटी खानी ही पड़ेगी। और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार को मुख्तार की कस्टडी लेने के लिए, ये आपने देखा पिछले कुछ दिनों में। 2 साल से ये कोशिश हो रही थी, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही ये मुमकिन हो पाया। एक छोटा सा ब्रेक। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।